हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई मंचूरियन। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ड्राई मंचूरियन घर पर बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस मज़ेदार मंचूरियन को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया फूल गोभी, तो इसको मैंने वॉश कर लिया, तो इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, तो बाउल में इसको हम कद्दूकस करेंगे। इसको हम इस साइड से कद्दूकस करेंगे। तो इसको आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉल्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये लीजिए, गोभी हमारी जो है वो कद्दूकस हो चुकी है। तो इसमें हम सबसे पहले मैदा डाल देंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे 4 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो मैदा डालने के बाद इसमें हम अरारोट डालेंगे, तो 3 चम्मच इसमें हम अरारोट डाल देंगे। अरारोट डालने से हमारे जो बॉल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाते हुए इसका हम यहाँ पे डो तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम आटे का डो लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको हम हल्का सा मसल मसल के इसका हम यहाँ पे डो लगा लेंगे। तो ये लीजिए, डो यहाँ पे हमारा लग चुका है। तो हाथों को हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। ग्रीस हम हाथों को इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो ये हाथों पे चिपकेंगी, इसलिए यहाँ पे हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसकी हम मीडियम साइज़ की बॉल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स हम इसकी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी बॉल्स बनाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हम इसकी मीडियम साइज़ की बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। तो घी में हम बॉल्स फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो फ्राई करते वक्त यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम बॉल्स फ्राई करेंगे तो यहाँ पे हम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारी जो बॉल्स हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने जो अरारोट और मैदा डाला है उसको अंदर से अच्छी तरह से पकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते वक्त इनको हम बीच बीच में से चला लेंगे। तो इस तरह से इनको हम चलाएंगे और इनको हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इनके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। तो हल्का सा इनको हम और ब्राउन करेंगे। तो बनाना इसको बहुत ही आसान है, ये घर में बहुत टेस्टी बनता है। तो ये लीजिए, बॉल्स जो हैं हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो बॉल्स को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बॉल्स निकालने के बाद इसमें हम बची हुई बॉल्स को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो इनको भी हम उसी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में से इनको भी हम उसी तरह से चलाते रहेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, बाकी की जो बॉल है वो भी फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको भी अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, और घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए।
तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, लहसुन का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अब हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। प्याज डालने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है। तो इनको हम चला लेंगे। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। तो इनमें अब हम सॉस डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे। तो 2 चम्मच के करीब इसमें हम टोमेटो केचप डाल देंगे। चिली सॉस डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, इसमें हम चिली सॉस डाल देंगे। सोया सॉस डालेंगे। सॉस डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको हमें नहीं पकाना, हल्का सा इसमें हम कच्चापन रखेंगे। तो इसमें अब हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और इनको हम चला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनको हम इसी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो 1/2 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो इसमें हम 1/2 कप ही पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल में पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाउल पानी और ले लिया। तो जिसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, यानी कि अरारोट। तो इसको डाल के पानी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। तो मिलाने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम और डाल देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, डालते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो 1 से 2 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे चला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो ये लीजिए, मंचूरियन के लिए हमारी यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम मंचूरियन की बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स डालने के बाद इसको हम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके ऊपर हम कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। धनिया डाल के इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म ड्राई मंचूरियन यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको मेरे इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए, इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मंचूरियन गर्म ही खाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए जब आप इसको बनाएं तो गर्मा गर्म इसको खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ मंचूरियन को आप मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।